हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर डिवाइसेस मेमोरी एंड स्टोरेज। एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर डिवाइसेस मेमोरी एंड स्टोरेज, लास्ट वीडियो अवर टॉपिक वाज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो वी हैव लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अवर लास्ट वीडियो। एंड वी हैव लर्न दैट देयर आर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस, थर्ड जॉयस्टिक, फोर माइक्रोफोन एंड फिफ्थ स्कैनर। एंड इंक्लूडेड द आउटपुट डिवाइसेज, वी हैव लर्न दैट देर आर आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्लटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो अवर टॉपिक वॉज फिनिश्ड। वी हैव रीड अबाउट इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज। एंड यू नो वट्स अवर टूडेज टॉपिक स्टूडेंट? टूडेज अवर टॉपिक इज प्रोसेसिंग डिवाइस, विच इज यू नो पेज नंबर 7, and after it computer memory, which is a second topic in our today's class, which is page number 8 of chapter first. Okay, so students, let's see. Firstly, we are going to read processing device, and after it we will read computer memory. Okay, so let's see that what is a processing device, key processing device kya hoti hai. Okay, and after it we will read that what is a computer memory, ek computer memory kya hai. Okay, so let's see. प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग इट्स मीन वी कैन टू से वर्किंग प्रसंस्करण। ओके, प्रोसेसिंग मीन्स प्रसंस्करण, डिवाइस मीन्स स्टैंड उपकरण। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस इट्स मीन प्रसंस्करण उपकरण। ओके, प्रसंस्करण उपकरण, इट्स अ हिंदी मीन ऑफ दिस वर्ड्स। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस, डी सी पी यू बॉक्स इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेर ऑल कैलकुलेशंस आर डन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जो CPU बॉक्स है स्टूडेंट, CPU, ओके, जो CPU बॉक्स एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मीन्स हो गया स्टूडेंट प्रसंस्करण। ओके, एंड यूनिट मीन्स इकाई। ओके, दी CPU बॉक्स, जो CPU बॉक्स है इट मीन्स है। ओके, दी प्रोसेसिंग मीन्स प्रसंस्करण, यूनिट मीन्स इकाई, ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर या संगणक। ओके, जिसका हिंदी मीन होता है कंप्यूटर का, वेयर मीन्स जहाँ, ऑल मीन्स सभी, कैलकुलेशंस मीन्स गणनाएं। ओके, आर डन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड इट्स मीन कि इच्छा के अनुसार, वांछित। ओके, डिजायर्ड मीन्स इच्छा या वांछित आउटपुट। ओके, तो इट्स मीन कि द CPU बॉक्स इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल कैलकुलेशंस आर डन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। इट्स मीन CPU बॉक्स एक कंप्यूटर की प्रसंस्करण यूनिट है, कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग यूनिट, या बोल सकते हैं कंप्यूटर की एक प्रसंस्करण इकाई है, जहां वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी गणनाओं का उपयोग किया जाता है। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। दी CPU और दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। जो CPU होता है, ओके, CPU और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टूडेंट CPU का फुल फॉर्म है, दिस फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इन शॉर्ट हम CPU बोलते हैं, बस इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सेंट्रल का हम सी उसको टेकआउट करते हैं, प्रोसेसिंग का पी एंड यूनिट का यू, तो हमारा CPU इन शॉर्ट बोल देते हैं, बट द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये जो प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होता है, ओके, या मौजूद होता है, इनसाइड, ओके, इनसाइड मीन्स होता है अंदर CPU बॉक्स। ओके, दी CPU और दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। इट्स मीन CPU या सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय, प्रोसेसिंग मीन्स संस्करण, ओके, सॉरी प्रसंस्करण, यूनिट मीन्स इकाई। दी CPU और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। इट्स मीन CPU या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, ओके, CPU बॉक्स के अंदर उपस्थित होता है या CPU बॉक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। दी CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इज ऑफन नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो जो CPU मीन्स CPU, इट्स मीन द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स मीन केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ओके, तो जो CPU है, ओके, ब्रेन, ब्रेन मीन्स दिमाग, ओके, ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का, द CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या बोल सकते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। ओके, जैसे वी हैव अ ब्रेन, जैसे हमारे पास एक ब्रेन होता है, एक दिमाग होता है ना, जो हमारी बॉडी का एक मेन पार्ट होता है। ओके, तो जो सारी वर्क हम अपने ब्रेन के इंक्लूडेड करते हैं ना, ब्रेन के अनुसार करते हैं, वो जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, उसके अनुसार करते हैं ना। ओके, तो वैसे ही CPU का, इट्स मीन CPU एक ब्रेन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो है उसका ब्रेन होता है CPU।
वी कैन टू से दैट द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू. कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो सीपीयू होता है. क्यों? जो माइंड है, इट्स मीन जो ब्रेन है, वी कैन टू से वो दिमाग है ना, ब्रेन जो है दिमाग है, तो वो सबसे मेन पार्ट हुआ. ओके, क्योंकि वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है और हमें अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें वो निर्देश देता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं. तो जो एक कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू होता है. एक कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इज ऑफन नोन एज माइक्रो प्रोसेसर. और ऑफन मीन्स प्राया. इट्स मीन ऑफन मीन्स प्राया या अक्षर. एंड नून मीन्स जानते हैं, एज मीन जैसे माइक्रो प्रोसेसर, एज मीन जैसे या तरह. माइक्रो प्रोसेसर. तो इट्स मीन द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इज ऑफन नोन एज माइक्रो प्रोसेसर. इट्स मीन कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, और इसे अक्सर हम माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं. तो सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है, सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट्स अ सीपीयू. ये सीपीयू है. विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टू से दैट विच इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्लियर, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है. सीपीयू हैज़ थ्री पार्ट्स. सीपीयू के थ्री पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के तीन भाग होते हैं. लेट्स सी थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू. किस सीपीयू के थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं. ALU. इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ सीपीयू. सीपीयू का फर्स्ट पार्ट है ALU. द ALU और एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन्स. ALU और मीन्स या एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म. इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ ALU. ये जो पूरा है आपका जो वर्ड्स है, ये एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स, ये ALU का फुल फॉर्म है. द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म. एरिथमेटिक का हमने फर्स्ट लेटर ए लिया, लॉजिक का एल लिया एंड यूनिट का यू, तो हमने ALU इंसर्ट बोलते हैं. बट इसका फुल फॉर्म ALU का क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. क्लियर. तो ALU हो गया, या एरिथमेटिक मीन्स होता है स्टूडेंट्स दैट अंकगणितीय. अंकगणितीय एंड मीन्स और लॉजिक मीन्स तर्क. यूनिट मीन्स इकाई. एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इट मीन्स गणितीय और तर्क इकाई. परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन्स. परफॉर्म मीन्स वर्क करता है. इट्स मीन काम करता है. ऑल मीन्स सभी. कैलकुलेशंस मीन्स गणनाएं. कंपेरिजन्स मीन्स तुलनाएं. जैसे कंपेयर करते हैं ना, किसी से कंपेयर करना, तुलना करते हैं, उसे बोलते हैं कंपेरिजन्स, तुलना करना. तो ALU या अंकगणितीय और तर्क इकाई गणना और तुलना, गणनाएं और तुलनाएं करती. इट्स मीन कैलकुलेशन करती है, कंपेरिजन्स करती है. क्लियर. डिफरेंस बताती है, तुलना करना, मैं कंपेयर करना किसी से. क्लियर. तो द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म. इट्स मीन अंकगणितीय और तर्क इकाई. लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस CPU. CU. इट्स अ सेकेंड पार्ट ऑफ CPU. CU और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स actions of the computer and tells other parts of the computer what they have to do. जो CU हो गया या control unit, control unit हो गया. CU का full form क्या है, control unit है. clear. control का C लिया, unit का U, तो CU in short बोलते हैं, but the full form of CU is control unit. तो CU हो गया, ये control unit हो गया. it's mean नियंत्रण इकाई हो गई. control unit means नियंत्रण इकाई. वो controls means नियंत्रित करती है, actions means क्रियाओं को. works को of the कंप्यूटर. CU और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. तो CU या जो कंट्रोल यूनिट हो गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि वी कैन से इन हिंदी नियंत्रण इकाई हो गई, वो कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है. एंड टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे हैव टू डू. इट्स मीन कि और कंप्यूटर के अन्य भागों को, अदर पार्ट्स मीन्स दूसरे भागों को या अन्य भागों को, ये बताता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन करता है, उन्हें निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना है. जो CU हो गया, वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, उनके वर्क्स को, उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है. क्लियर. उनके एक्शन को नियंत्रित करता है. लेट्स सी सी नंबर पार्ट्स ऑफ CPU, विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ CPU. MU. ALU इट्स फर्स्ट, CU इट्स सेकेंड, MU इट्स थ्री नंबर पार्ट्स ऑफ CPU, इट्स लास्ट. MU इज़ अ मेमोरी यूनिट दैट स्टोर्स डाटा इन्फॉर्मेशन टेम्परेली. तो MU हो गया, द फुल फॉर्म ऑफ MU इज मेमोरी यूनिट. MU का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी यूनिट है. मेमोरी मीन्स स्टूडेंट होता है, वैसे तो जनरली हम लोग हिंदी में भी मेमोरी बोलते हैं, बट मेमोरी का हिंदी मीन करेक्ट जो होता है वो होता है धारणा या स्मरण शक्ति. ऐसे बोलते हैं ना मेमोरी, इट्स मीन होता है धारणा या स्मरण शक्ति.
तो जो मेमोरी हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई, इट्स मीन धारणा या स्मरण शक्ति हो गई, डैट मीन्स जो स्टोर्स मीन्स रहता है कि संग्रहित करना या संरक्षित करना. ओके, डाटा इट्स मीन हो गया कि डाटा मीन्स होता है, डाटा को डाटा ही बोलते हैं, बट हिंदी में से बोलते हैं आधार सामग्री, सोर्स मटेरियल. ओके, तो जो एमयू होता है, ओके, तो वो क्या करता है, जो एमयू है मीन धारणा इकाई है, वो डाटा को और इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना या जानकारी. ओके, तो सूचना या जानकारी या डाटा को टेम्परेली स्टोर करता है. ओके, टेम्परेली ही संरक्षित कर लेता है, टेम्परेली संग्रहित करता है. ओके, इट्स मीन कि जो एमयू होता है, ये डाटा को और जानकारी या क्या बोलते हैं, जानकारी या सूचना को इकट्ठा करने का, उसको संग्रहित करने का, उसे संरक्षित करने का कार्य करता है. दी फुल फॉर्म ऑफ एमयू इज मेमोरी यूनिट. वी कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स अ सीपीयू. ओके, ये सीपीयू है, एंड इंटरनल व्यू ऑफ सीपीयू बॉक्स का इंटरनल व्यू है, इसका आंतरिक दृश्य है सीपीयू का. ओके, फर्स्ट वी कैन सी एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ओके, जो फर्स्ट एरो है ये आपका एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसे इन शॉर्ट हम ELU बोलते हैं. ओके, जो क्या करता है कि जो कैलकुलेशन और कंपेरिजन करता है. ओके, जो ऑल कैलकुलेशन और कंपेरिजन करता है वो है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सेकेंड आपका एक कंट्रोल यूनिट, जिसे इन शॉर्ट हम CU बोलते हैं. ये क्या करता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को बोलता है कि व्हाट दे हैव टू डू, कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या वर्क करना है, उनको इंस्ट्रक्शन करता है. ओके, एंड थर्ड पार्ट क्या है, मेमोरी यूनिट है, जिसे इन शॉर्ट हम MU बोलते हैं, जो क्या करता है कि डाटा इन्फॉर्मेशन को टेम्परेली स्टोर करता है, डाटा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसे स्टोर करता है. MU एक मेमोरी यूनिट है, जो डाटा या सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करता है. टेम्परेली मीन्स होता है अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से, कोई स्थायी नहीं है, बट ऐसे ही अस्थायी रूप से उसे स्टोर कर लेता है. क्लियर? तो ये आपका CPU का इंटरनल व्यू है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे किसी चीज़ को स्टोर करना, इट्स मीन संग्रहित करना होता है. ओके, जैसे सपोज दैट आप जैसे कोई चीज़ है, चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी, एक आप जगह स्टोर करते हैं, एक बॉक्स में आपने जैसे स्टोर कर ली कि डेली 1 चॉकलेट आएंगे, तो आपने स्टोर किया, उसे एक जगह रखा, तो स्टोर करना इट्स मीन संग्रहित करना, इट्स मीन संरक्षित करना. वैसे ही MU क्या करता है कि डाटा, इट्स मीन जो हमारे सोर्स मटेरियल होते हैं, आधार सामग्री होती है जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना जानकारी होती है, उसे अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है. ओके, क्लियर? सो टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 8. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर सेकेंड टॉपिक. ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट्स अवर सेकेंड टॉपिक. अवर सेकेंड टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सो लेट्स सी कंप्यूटर मेमोरी, दैट व्हाट इज अ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है. ओके, लुक एट द पेज नंबर 8. द ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ थिंकिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग आइडियाज, फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन. ओके, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, इट्स मीन ह्यूमन मीन्स मानव या मनुष्य, ब्रेन मीन्स दिमाग. ओके, तो द ह्यूमन ब्रेन, इट्स मीन ह्यूमन ब्रेन मीन्स मानव का दिमाग. ओके, जो मानव का दिमाग होता है, मानव मस्तिष्क है, परफॉर्म्स मीन्स परफॉर्म करता है, वर्क करता है. ओके, द फंक्शन ऑफ थिंकिंग. ओके, द फंक्शन ऑफ थिंकिंग इट्स मीन सोचने का. ओके, प्रोसेसिंग मीन्स संस्करण, एंड मीन्स और स्टोरिंग आइडिया, इट्स मीन संग्रहित करता है. ओके, आइडियाज मीन्स विचारों को. ओके, एंड फैक्ट्स मीन्स होते हैं तथ्य, डाटा मीन्स सोर्स मटेरियल, इट्स मीन आधार सामग्री, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी. इट्स मीन द ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ थिंकिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग आइडियाज, फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन. ओके, द हिंदी मीन ऑफ दिस लाइन आर कि मानव मस्तिष्क सोच, ओके, प्रसंस्करण और विचारों, तथ्यों, डेटा, सूचना को संग्रहित करने का कार्य करता है. ओके, मानव मस्तिष्क क्या करता है, सोचता है. ओके, प्रसंस्करण करता है विचारों, तथ्यों, इट्स मीन डाटा और सूचना को संग्रहित करने का कार्य करता है. हम कुछ भी हमारे जो माइंड ब्रेन में हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उसको अपने माइंड में रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसी के इंक्लूडेड जो हम थॉट्स होते हैं हमारे, उसी के इंक्लूडेड अपना वर्क करते हैं ना. पहले हम अपने मन में, अपने ब्रेन में हमारे आइडियाज़ आते हैं, है ना, कि हमें यह वर्क करना है, फिर उसके इंक्लूड, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, जो हमारे ब्रेन में जो डाटा होता है, ओके, जो हमारे ब्रेन में चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं ना, इन दिस सेम वे, सेम वैसे ही. ओके, ठीक उसी प्रकार दी कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन. कंप्यूटर का भी के पास भी एक ब्रेन होता है, कंप्यूटर के पास भी एक दिमाग होता है, एंड
व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, तो वी हैव रीड दैट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू होता है ना। तो इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, द कंप्यूटर हैज अ ब्रेन, कंप्यूटर के पास भी एक दिमाग है, दैट कंट्रोल, जो दैट मीन जो कंट्रोल्स मीन्स नियंत्रित करता है, ओके, उस पर कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रित करता है, स्टोर्स, ओके, स्टोर्स मीन्स संग्रहित करता है, संरक्षित करता है, एंड मीन्स और डिलीवर्स डाटा, डिलीवर्स मीन्स होता है वितरित करना, ओके, डिलीवर्स मीन्स वितरित करता है, डाटा मीन्स मटेरियल सोर्सेज, वी कैन डू सी दैट आधार सामग्री, ओके, एंड मीन्स और इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, एज मीन्स जैसे, एंड मीन्स और व्हेन मीन्स जब, रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यकता, ओके, इट्स मीन कि जो इन द सेम वे द कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन दैट कंट्रोल स्टोर्स एंड डिलीवर्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इट्स मीन कि ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, वैसे सेम कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन है, एक दिमाग है, जो आवश्यकता पड़ने पर डेटा और जानकारी को नियंत्रित, संग्रहित और वितरित करता है, ओके, तो नियंत्रित करता है, उस पर कंट्रोल करता है, जो भी डाटा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको नियंत्रित करता है, ओके, और संग्रहित करता है, इट्स मीन उसे संरक्षित करता है, सेव करता है, ओके, स्टोर करता है और वितरित करता है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वी हैव ऑलरेडी रीड इट, ओके, हम इसे पहले ही रीड कर चुके हैं कि द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का दिमाग, इट मीन्स है कॉल्ड मीन्स कहते हैं, ओके, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, इट्स मीन कंप्यूटर के दिमाग को कहते हैं सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी मीन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, तो जो कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, या तो सीपीयू कहते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इनशॉर्ट सीपीयू बोलते हैं, बट द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स मीन केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, क्लियर, तो कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्लियर, ओके, तो योर कंप्यूटर मेमोरी इज क्लियर, ओके, लेट्स सी मेमोरी, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर्ड, ओके, अब स्टूडेंट हम मेमोरी की बात करें कि मेमोरी क्या होती है, ओके, जैसे हम, जैसे फ़ोन वगैरह में आपने देखा होगा कि हम मेमोरी डालते हैं, उस पर क्या करते हैं, अपने जितने फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं उस पर क्या कराते हैं, फीड करा लेते हैं, तो बहुत ईजिली हमें जब भी वो सॉन्ग्स लिसन करना होता है, हम उसे तुरंत फाइंड आउट करते हैं और तुरंत मिल जाते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है, हमें सर्च करना पड़ता है तब मिलते हैं ना, मेमोरी में सेव होते हैं, जब मन हो तब हम इसे लिसन कर सकते हैं, तो मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर होती है, संग्रहित होती है, संरक्षित कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को सेव कर सकते हैं, ओके, वैसे मेमोरी का हिंदी मीन होता है धारणा या स्मरण शक्ति, ओके, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, मेमोरी इज है मीन्स है, द पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, ई कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का, एक मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इट्स मीन एक कंप्यूटर का भाग मेमोरी है या मेमोरी कंप्यूटर का भाग है, वेयर डाटा इज स्टोर्ड, वेयर मीन्स जहाँ डाटा मीन्स, डाटा मीन्स स्ट्रेंट सोर्स मटेरियल, इट्स मीन आधार सामग्री, ओके, इज मीन्स है स्टोर्ड मीन्स संग्रहित होता है, ओके, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर्ड, इट्स मीन कि मेमोरी एक कंप्यूटर का भाग होता है जहाँ डाटा या बोल सकते हैं सोर्स मटेरियल संग्रहित होते हैं, इट्स मीन संरक्षित होते हैं, सेव हो जाते हैं, ओके, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट, ओके, द यूनिट मीन्स इकाई, ऑफ मीन्स का, मेजरमेंट होता है मापने की, ओके, मेजरमेंट मीन्स होता है मापना, ओके, ऑफ मीन्स का, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर या संगणित, मेमोरी मीन्स मेमोरी या धारणा, इट मीन्स है बाइट, ओके, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट, इट्स मीन कंप्यूटर मेमोरी की मापन की इकाई बाइट है, इट्स मीन कंप्यूटर की मेमोरी को जिससे मापते हैं ना उसे बोलते हैं बाइट, क्लियर, जैसे स्टेंस हम क्या करते हैं, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है ना, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, है ना, तो हम इसमें कितने लीटर में हमेशा उसे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, हमेशा लीटर में उसे मेजरमेंट करते, उसकी माप हमेशा लीटर में निकालते हैं ना, कभी आपने क्या कि 1 किलो कोल्ड ड्रिंक, नो, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना, तो जो हमारी लिक्विड चीज़ जितनी भी होती है तो उसकी मेजरमेंट हम लीटर में करते हैं, एंड जो हमारी जितनी भी जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पोटैटो, टमाटो, एप्पल, मैंगो, जितने भी हो गए हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, सबको हम किलो में, हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं, किलो में मापते हैं ना, कि 1 किलो, 1 kg, 2 kg ऐसे मापते हैं ना, सेम वैसे ही जो कंप्यूटर की मेमोरी होती ना उसका मेजरमेंट हम बाइट में करते हैं, किसमें, बाइट में, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट, इट्स मीन कि कंप्यूटर मेमोरी के मापन की इकाई बाइट है, क्लियर, ओके, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, लिक्विड चीज़ों को लीटर में, बट वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह को किलोग्राम में, और जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है उसे बाइट में मेजरमेंट करते हैं, उसे बाइट में मापते हैं, लेट्स सी,
8 bites. ओके, 8 bites में जैसे हमारा 1 किलो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम. ओके, वैसे ही हमारी इसके भी कुछ रूल्स हैं. ओके, लेट्स सी कि जो हमारी बाइट है इसके क्या रूल्स है. 8 bites इज इक्वल टू 1 bite. ओके, 8 bites में 1 bite होता है. ओके, सॉरी, 8 bits इज इक्वल टू 1 bite. 8 bits में 1 bite होता है. ओके, बिट्स होता है, इट्स अ स्मॉल, इट्स अ लेस कंपेयर देन बाइट. ओके, ये बाइट से कम है, तो 8 bits जब होंगे तो 1 bite बनेगा. 8 bits इज इक्वल टू 1 bite. ओके, एंड 1024 bytes इज इक्वल टू 1 kilobyte और 1 KB. 1024 KB इट्स मीन 1024 kilobyte. ओके, इज इक्वल टू 1 megabyte, इट्स 1 MB. 1024 इट्स मीन 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1 GB. 1024 GB इट्स मीन 1024 GB इट्स इक्वल टू 1 TB, इट्स मीन 1 TB. ओके, 1024 TB इट्स मीन 1024 TB इट्स इक्वल टू 1 PB, 1 PB. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना कि 8 bits इट्स इक्वल टू 1 byte. 8 bits में 1 byte होता है. ओके, जब 8 bits होंगे ना तो 1 byte बनेगा, और जब 1024 इट्स मीन 1024 bytes होंगे तब 1 kilobyte होगा. ओके, इसे इंसॉल्ट 1 KB बोलते हैं. और जब 1024 KB होगा, इट्स मीन जब 1024 kilobyte होंगे तो 1 MB होगा, इट्स मीन 1 MB. ऐसे सेम होगा 1024 जब MB होंगे, 1024 MB होंगे, 1024 MB होंगे, तब आपका जाके बनेगा 1 GB, इट्स मीन 1 GB. एज इट इज़, 1024 GB इज़ इक्वल टू 1 TB एंड 1024 TB इज़ इक्वल टू 1 PB. क्लियर? तो सब आपका 1024 में इसे चलता है. ओके, लेट्स सी, एवरी कंप्यूटर हैज़ अ मेन मेमोरी. प्रत्येक कंप्यूटर के पास एक मुख्य मेमोरी होती है, एक मुख्य धारणा या मुख्य स्मरण शक्ति होती है. मेमोरी मीन्स धारणा या स्मरण शक्ति. ओके, मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स. ओके, मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स इट्स मीन मेमोरी 2 प्रकार की होती है, या धारणा या स्मरण शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है. लेट्स सी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी मीन्स स्टूडेंट होते हैं प्राथमिक मेमोरी, इट्स मीन वी कैन टू से दैट प्राथमिक धारणा. एंड सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी, इट्स मीन मध्यम मेमोरी या मध्यम धारणा. ओके, तो स्टूडेंट टूडेज अवर टॉपिक हैज़ फिनिश्ड. नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट मेमोरी चार्ट. ओके, एंड सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, विच वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो. जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करने वाले हैं वो है मेमोरी चार्ट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. वी विल डेफिनेटली रीड इट बट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. टूडेज अवर टॉपिक हैज़ फिनिश. टूडेज वी हैव फिनिश कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस. एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन दिस 3, 4, and 5 क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कंप्यूटर नोटबुक. इट्स योर टूडेज क्लास वर्क. योर होमवर्क इज दैट लर्न दिस क्वेश्चन आंसर 3 to 5 ऑफ चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम योर फेयर नोटबुक, फेयर कंप्यूटर नोटबुक. इट्स अ टू डेज होमवर्क, आपका आज का होमवर्क है. इसमें योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? आंसर, द सीपीयू बॉक्स इज अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल कैलकुलेशंस आर डन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. सीपीयू कंप्यूटर की सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण है. ओके, प्रसंस्करण इकाई है जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस किए जाते हैं, सारी गणनाएं होती है. ओके, टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, और वहाँ वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी गणनाओं का उपयोग किया जाता है. मतलब वो हमें सारी हमारी वांछित आउटपुट गेट करता है, हमारी सारी वांछित हमारी इच्छा अनुसार सारे आउटपुट देता है. क्लियर? लेट्स इज फोर नंबर क्वेश्चन. फोर नंबर क्वेश्चन इज नेम टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. आंसर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी. योर फिफ्थ नंबर आंसर इज व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, इज इट मेजर्ड. कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसे कैसे मापते हैं? ओके, द आंसर ऑफ योर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर इट. ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट. तो मेमोरी एक कंप्यूटर का भाग होता है, या एक कंप्यूटर का भाग मेमोरी है जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ डाटा स्टोर होता है, जहाँ डाटा संग्रहित होता है. ओके, जहाँ धार सामग्री संग्रहित होती है. और कंप्यूटर की मेमोरी को हम बाइट में मापते हैं. ओके, कि कंप्यूटर मेमोरी की मापन की कई बाइट है. ओके, तो स्टूडेंट आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. तो स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर 3 to 5. ओके, बिलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन वी हैव रीड एंड नोट डाउन इन अवर
फेयर कंप्यूटर नोटबुक इन अवर लास्ट क्लास, लास्ट क्लास में हमने नोट किया था ना अपनी नोटबुक पे, तो आज हमें 3 to 5 नोट करने. ओके, तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट इन योर फेयर कंप्यूटर नोटबुक एंड इट्स अ 2 days क्लास वर्क, सो कंप्लीट इट नाउ. And your homework is that learn this question answer 3 to 5 of chapter first from your FAIR computer notebook. It's a 2 days homework. So firstly, all listen computer class work. Note down this question answer 3 to 5 of chapter first in your FAIR computer notebook and send me your work here. Thank you.